स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फॉर यू में। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। यूट्यूब पे अपना कैरियर बहुत सारे लोग बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना चैनल बनाना चाहते हैं, एक नाम, फेम और मनी, ये तीनों चीज कमाना चाहते हैं। और कोई भी यूट्यूबर जो अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करता है तो जो सबसे पहला चीज परचेज करता है वो है ये। ये प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का यहाँ पे लोगो है। और ये प्रोडक्ट क्या है तो ये बोया का BY-M1 माइक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ऑनलाइन जो यूट्यूब पे अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं या करना चाहते हैं, उन सबको लगभग लगभग इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता होता है। ये बोया का BY-M1 माइक है, लेवलियर माइक इसको बोलते हैं, जो आप अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कैमरा, डिजिटल कैमरा यानी कि DSLR वगैरह से कनेक्ट करके इसको अपने कॉलर के आसपास पिन करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन माइक होता है, और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है, प्राइस भी मिनिमल है, तो यूट्यूबर्स की ये साउंड रिकॉर्डिंग के लिए पहली चॉइस होती है। ये मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से करीब एक हफ्ते पहले, मैं आपको सारी डिटेल दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये इस प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये भी जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से। तो जो वीडियो आज ये इस चीज के बारे में है कि ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो ये फेक है। जी हाँ, आप सही सुने हैं, ये एक फेक प्रोडक्ट है, ये ओरिजिनल से बहुत ही मिलता जुलता है। अच्छे से देखिए इसको, अगर आपके आपने कभी बोया का माइक यूज किया होगा, वो भी ओरिजिनल वाला, तो आप कह सकते हैं कि ये बोया का ओरिजिनल माइक है। लेकिन इसकी सच्चाई मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये फेक है। पहले मैं आपको इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है, आइए मैं बताता हूं। देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वेबसाइट ऊपर मेंशन की गई है, अगर ठीक से देख पा रहे हैं तो ये वेबसाइट जो है, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसका स्नैपशॉट लेके वीडियो में अटैच कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका वेबसाइट जो उसके ऊपर मेंशन है वो BoyaMic.com नहीं है, ये BayaMic.com है। ठीक वैसा ही जैसा अगर आप एडिडास का शूज परचेज करें और आपको एडिबास का शूज मिल जाए, फनी है, साउंड फनी ना। अगर आप नाइके का शूज परचेज करते हैं और नाइके की जगह पे आपको निकी का शूज मिल जाए, ये ठीक वैसा ही है। ये 800 रुपए के आसपास करीब का आता है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे भी 850-900 के आसपास का मिल रहा है। तो आइए मैं बताता हूं इसकी, इस प्रोडक्ट की सच्चाई। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये है मेरा फ्लिपकार्ट का पेज। देख सकते हैं कि मैं फ्लिपकार्ट का एक प्लस मेंबर हूं और ये है वो प्रोडक्ट जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था। और आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में बात करने के बाद ये जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न रिक्वेस्ट के लिए डाली गई है और फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर ने मुझे ऐसा बताया है कि आपको ये प्रोडक्ट आपसे वापस ले लिया जाएगा और आपको रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो मैं इस प्रोडक्ट पेज पे आपको लेके चलता हूँ। ये प्रोडक्ट यहाँ खुला हुआ है, देखिए यही है वो प्रोडक्ट जो मैंने बाई किया है, बोया BY-M1 1.3 mm इलेक्ट्रेट
कंडेंसर माइक्रोफोन, ये वो प्रोडक्ट है। जब आप फ्लिपकार्ट पे बोया BY-M1 सर्च करेंगे तो पहला प्रोडक्ट जो है आपको यही दिखेगा। और आप देख सकते हैं 23,259 रेटिंग भी है इसकी, और 4,242 रिव्यूज़ है इस प्रोडक्ट की अभी तक के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है, मतलब फ्लिपकार्ट इस प्रोडक्ट की गारंटी देता है कि ये प्रोडक्ट आपको हर तरीके से बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन फ्लिपकार्ट से ये है कि अगर ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है, फ्लिपकार्ट इस प्रोडक्ट को एश्योर करता है, तो फिर मुझे फेक प्रोडक्ट कैसे डिलीवर हुआ? जब ये क्वेश्चन मैंने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के एजेंट से पूछा तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो मैंने ऐसा बोला कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद जो प्रोसेस मुझे मैंने फॉलो की है, जो रिटर्न आपने प्रोसेस किया है, कस्टमर केयर से इतनी बार बात करना पड़ा है, इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। तो मैंने फ्लिपकार्ट को ऐसा बोला कि इस प्रोडक्ट के रिटर्न के लिए मुझे कंपेंसेशन चाहिए, ये प्रोडक्ट तो मुझे जेन्युइन आप डिलीवर करो ही, इसके अलावा मेरा टाइम जो वेस्ट हुआ है इतना, इसका मुझे कंपेंसेशन चाहिए। बट इसका उन फ्लिपकार्ट एजेंट से यही जवाब मिला मुझे कि इसके लिए फ्लिपकार्ट की कोई पॉलिसी नहीं है कि वो कंपेंसेट करे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो मेरा रिफंड प्रोसेस कर देंगे। बट जो चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहली चीज तो आप फ्लिपकार्ट से इस तरह के आइटम्स जो है, मतलब माइक्रोफोन या फिर जो भी है, जो भी आपके वीडियोग्राफी से रिलेटेड है, जैसे कि ट्राइपॉड है, जैसे कि कोई अदर रिंग लाइट है, ये सब चीजें आप है ना फ्लिपकार्ट से कभी भी बाय मत करो। ये देखो, आप अमेजोन के पेज पे जाओ, यहाँ पे आपको ये थोड़ी महंगी जरूर मिलेगी बट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ओरिजिनल मिलेगा, इस बात की गारंटी मिलेगी आपको, क्योंकि फ्लिपकार्ट इन सब चीजों के मामले में एज गुड एज शॉपक्लूज, जो कि फेक प्रोडक्ट डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचता है। तो मैं आप लोगों से, जो भी आप बोया का माइक खरीदना चाह रहे हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी खरीदने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट से, तो पहले दो बार जरूर सोचिए। अगर खरीद भी लेते हैं, अगर आपको फ्लिपकार्ट पे वो सस्ते में मिल रही है, तो उसको वेरीफाई जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि मैंने कैसे इस प्रोडक्ट को वेरीफाई किया कि ये प्रोडक्ट फेक है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको अमेज़ॉन के इस प्रोडक्ट पेज पे लेके जाऊं, मैं आपको ये सेलर की थोड़ी डिटेल बता देता हूं। जो ये प्रोडक्ट मुझे डिलीवर किया गया था वो RR रिटेल की तरफ से किया गया था, भले ही डिलीवरी फ्लिपकार्ट की थी, बट जो रिटेलर, जो सेलर था वो RR रिटेल था, जिसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 4.6 है। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जो सेलर जिसकी रेटिंग इतनी अच्छी है, वो उसने फेक प्रोडक्ट डिलीवर कैसे किया? उसने फेक प्रोडक्ट कोई कैसे डिलीवर कर सकता है जिसकी इतनी अच्छी रेटिंग हो? तो पहली चीज तो ये है कि दोस्तों, ऑनलाइन मार्केट में आप कभी भी कुछ बाय करो, कभी भी कुछ नया परचेज करो, तो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। गो ऑनलाइन, वेरीफाई द ओरिजिनलिटी जेन्युइनिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ट्राई टू डिग डाउन द वेबसाइट ऑफ द प्रोडक्ट, जाइए वहां पे उसके प्रोडक्ट कोड को देखिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे वेरीफाई किया कि ये प्रोडक्ट एक डुप्लीकेट वन था। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बोया माइक की वेबसाइट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे हूँ। अब यहाँ से अगर आपको वेरीफाई करना हो तो कैसे करना करना है, पहले मैं आपको वो प्रोडक्ट का इमेज क्लियर दिखा दूँ। जैसे ये है, आप देख सकते हैं ये वो इमेज है, मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी दिखे। आप देख सकते हैं मैंने इसको हाईलाइट भी किया, जो मैंने मेल किया था फ्लिपकार्ट को, इसमें आप देख सकते हैं, ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये वेबसाइट मेंशन की गई है वो www.bayamic.com है। ध्यान से देखिए इस पेज को। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ओरिजिनल 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 वेबसाइट पे, जो देख सकते हैं www.boyamic.com है। तो दोस्तों, ये वही वाली बात है कि आप एडिडास की शूज परचेज करो और आपको एडिडास की शूज मिल जाए। देख सकते हैं आप डिफरेंस, आप क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए,
ये boyamic.com है और ये bayamic.com है। तो पहली चीज तो ये है कि जहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ये बोया माइक जेन्युइन है कि नहीं। दूसरी चीज देखिए, आपके जस्ट इसके नीचे एक सिक्योरिटी कोड है 25969550400424। चलिए मैं अब इसको वेरीफाई करने का कोशिश करता हूँ। ये प्रोडक्ट जो है, मैंने 25969550400424841 पहले से कॉपी करके रखा है। अब मैं जाऊंगा बोया माइक के सपोर्ट पेज पे। सपोर्ट पे आपको एक सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी कोड, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सिक्योरिटी कोड पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंटर योर सिक्योरिटी कोड। मैंने इसको ऑलरेडी कॉपी कर रखा है तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा, फिर करूंगा इनक्वायर। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट यू क्वेरीड इज फेक, प्लीज बाय आवर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑथराइज चैनल्स, प्लीज काइंडली शेयर द प्रोडक्ट पिक्चर सीरियल नंबर एंड परचेज इनवॉइस टू सपोर्ट बोया माइक सो वी कैन गिव यू करेक्ट गाइडेंस इमीडिएटली। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब ये बोया कंपनी ऐसा बोल रही है कि प्लीज बाय आवर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑथराइज चैनल्स और मैं इसको बाय कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट की का ट्रस्ट कहाँ आता है इसमें? अगर फ्लिपकार्ट ही फेक प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है तो फ्लिपकार्ट की क्या साख है? क्या हम उसको ऑथराइज चैनल नहीं मान सकते हैं? तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन ऑन फ्लिपकार्ट एंड आई थिंक फ्लिपकार्ट शुड आंसर दिस। एंड ये तो जो भी मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब की अपनी कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बोया की माइक या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीद रहे हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो दोस्तों आप ये चीज सेम चीज देख सकते हैं अमेजोन पे अवेलेबल है, बट इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू फ्लिपकार्ट पे जो 774 पे मिल रही थी। अमेजोन पे 869 की अवेलेबल है। तो प्राइस भले थोड़ा सा ज़्यादा है बट ये प्रोडक्ट इस बात की गारंटी है कि आपको ओरिजिनल मिलेगी। तो मैं अभी अभी इसको ऑर्डर करूँगा और मैं वेट करूँगा अमेजोन इसको इस प्रोडक्ट के डिलीवर करने तक, और उसके बाद इस प्रोडक्ट को भी चेक करूंगा कि अमेजोन जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है मुझे वो फेक है या जेनविन है। उसका भी मैं कोशिश करूंगा, अगर वो जेनविन भी हो या फिर फेक भी हो तो उसका रिव्यू यहाँ पे पोस्ट करूंगा। आपको सिक्योरिटी कोड चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जो कि मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप कहीं ऑनलाइन इस वर्ल्ड में कहीं चीट ना किए जाओ, आप कहीं फंस न जाओ। तो ये एक तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट को की जेन्युइनिटी वेरीफाई कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आप सब से अनुरोध करूंगा कि यदि वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, कुछ नया सीखने मिला हो, तो आप डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो कमेंट कीजिएगा। मैं अपना टाइम देकर कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी किसी क्वेरी अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसको रिजॉल्व करूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।